प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सर्किट हाउस के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन का होना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रह रहे सभी वर्ग के लोग भाजपा सरकार से परेशान हैं। भाजपा सरकार किसी का विश्वास हासिल नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा, देश व प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है। उन्होंने कहा, सरकार ने चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर वादा किया था कि भ्रष्टाचार 100 दिन में खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पेट्रोल, डीजल, घरेलू सरसों का तेल सहित उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं में आसमान के बराबर महंगाई सरकार में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तथा हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 5 लाख रुपए देकर स्वावलंबी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में विलय तभी करेंगे जब मेरा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह स्वाभिमान व सम्मान मिलेगा तथा हमारे शर्तों को स्वीकार किया जाएगा। इस अवसर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वीरपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्रा, मंडल प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा, दक्षिण भारत के एक अखबार ने आपकी यात्रा की तुलना एम जी रामचंद्रन के यात्रा से की। जो थोड़ी बहुत वैयक्तिक वार्तालाप है उसको विराम खड़ा किया और बुद्धिजीवी आपकी यात्रा की तुलना श्रद्धेय देवीलाल जी, एम जी रामचंद्रन जी, क्रांति रथ लेकर निकले श्रद्धेय नेताजी की यात्रा से कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हमारे सामाजिक परिवर्तन यात्रा में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। चैनल पर भी चला, प्रिंट मीडिया में भी, अखबारों में भी अच्छी न्यूज आप सब लोगों ने दी है। तो ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से माँ के बिहारी जी के दर्शन करके 12 अक्टूबर को चली थी और तब से लगातार चली रही है। उधर पहले तो मथुरा से चल कर के मध्य यूपी में, फिर उसके बाद बुंदेलखंड में और फिर उसके बाद पश्चिम में और फिर हम लोग 9 तारीख से पूर्वांचल में बाराबंकी से शुरू किया है, लखनऊ से चल के बाराबंकी से और चल कर के आज यहाँ पर गोरखपुर में आकर के कल आप रहे हैं साथ में। तो ये परिवर्तन रथ यात्रा का उद्देश्य है कि सत्ता का परिवर्तन जरूरी हो गया है और इसलिए जरूरी हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान में और खासकर उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, चाहे छोटा छोटा व्यापारी हो, मजदूर हो, मजलूम हो और यहाँ तक कि बेरोजगारी की वजह से छात्र और नौजवान के सामने संकट पैदा हो गया है, पूरी तरह से संकट पैदा हो गया है और खासकर किसानों के सामने जो दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी दिक्कतें हैं
पहले तो कृषि कानून जो आया है, किसान विरोधी कानून जो आया है, और ये किसान विरोधी कानून उसी तरीके का है जिस तरीके से निजीकरण करके जितनी भी लाभदायक संस्थाएं थी वो कुछ ही उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है, जैसे रेल, एयरपोर्ट, टेलीफोन, और टेलीफोन से के साथ साथ बिजली भी दी जा रही है। तो ये सब देखिए एक तरह से जनता का शोषण होगा, इससे पूरी तरह से बेरोजगारी फैलेगी, उसी तरीके से किसानों की जमीन भी पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं ये। तो फिर किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा, और जबकि देखिए किसान अभी मंडी में तो अपनी मुश्किल से फसल को ले जा पाता है, और फिर जहां दूसरे प्रदेशों में कैसे जाएगा, अगर उन्होंने करा है कि दूसरे प्रदेशों में अपनी फसल बेच दो जाकर, ऑनलाइन बेच दो जाकर के। इतना अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश का किसान ट्रेंड नहीं हो पाया है, शिक्षित नहीं हो पाया है। अच्छा, उसके भुगतान भी दिक्कतें होगी, भुगतान में भी दिक्कतें होंगी, ये किसानों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। और किसानों के हाथ से जब जमीन निकल जाएगी तो फिर तो किसान तो मजदूर हो जाएगा, मालिक कहाँ रहेगा, मालिक नहीं रहेगा, फिर मजदूर बन करके रह जाएगा। तो किसानों ने विरोध किया है, 11 महीने होने जा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, दिल्ली के अलावा सभी जगह पर, हर प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है, और शांत तरीके से बैठा है। इस बीच में दिल्ली में जब सर्दी के समय, कोरोना के समय, जब किसान धरने पर बैठा है, तो करीब करीब 500 किसानों की मौत भी हो चुकी है, और उसके साथ साथ लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने तो धमकी दे दी कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दियो जाओगे, हमारा इतिहास तो जानते ही हो। तो ये धमकी भरा, फिर उसके बेटे ने तीसरे दिन उसकी गाड़ी से कुचल दिए गए, और फिर अब तो साबित हो गया है और उसके लड़के की राइफल से और रिवॉल्वर से फायरिंग हुई थी, अब तो संज्ञान में ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अब तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए था, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। तो बताओ, जब ये माफियाओं की और गुंडों की बात करते हैं, तब बताइए गुंडों की तरह ही तो धमकी दी गई थी, और संविधान में ईश्वर की कसम खाते हैं, भगवान की कसम खाते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को धमकाएंगे नहीं। तो ये सब बातें हैं, तो एक तरह से उस शपथ की भी उल्लंघन हो गया था, तो तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था, नहीं किया, अभी तक नहीं किया, उसे सम्मानित और कर रहे, साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये समस्या है। अजय जी, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली और जो गाजीपुर बॉर्डर पे लोग बैठे हैं वो किसान नहीं, वो तो नेता हैं,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसान पूरा बैठा है। अच्छा, उन्होंने तो जो किसान यूनियन के लोग हैं अभी तक कोई नेता को अलाउ नहीं किया है, किसी भी दल को अलाउ नहीं किया है, नहीं तो हम भी जाते उनके समर्थन में, हम भी जाते। हम पूछना चाहते हैं, उन्हीं को पूछना चाहते हैं कि कौन सा दल गया है अभी तक उनके, कोई दल गया उनके धरने में, कोई नेता गया उनके धरने में? हमने तो लखनऊ में बैठ के उनका समर्थन किया, सभाओं जहाँ पर की हैं उन पर समर्थन दिया है, समर्थन दिया है। जबकि हम तो किसान भी हैं, हम तो किसान भी हैं, लेकिन हम दल से जुड़े हैं लोग हैं, तब भी नहीं गए, तब भी नहीं गए। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इन्होंने देखे माँ गंगा की कसम खा ली, और 7 साल हो गए माँ गंगा को, क्या मैली गंगा को उज्जवल कर पाए? इन्होंने तो देखे भगवान राम की भी कसम खा ली थी, गणेश जी को एक बार दूध पिला दिया था। तो ये लोग तो उदाहरण है ना। और फिर इन्होंने 7 साल के अंदर जितने भी वादे किए थे, बताओ एक भी वादा पूरा किया हो तो बताओ? काला धन लाए ना पाए, लाए हो तो बताओ? आप बता दीजिए, आप तो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, विद्वान लोग हो आप सब लोग। तो शिवपाल जी, चाचा भतीजा कब एक हो रहे हैं? अभी, कब आएगी? अभी बात पूरी हो जाए, हम पूरा समय देंगे आपको, पूरा समय देंगे। हैं? तो एक तो वादा इन्होंने ये किया था, दूसरा वादा किया था 15-15 लाख का, दूसरा वादा किया था हम भ्रष्टाचार 100 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, तीसरा वादा किया था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, चौथा वादा किया था हम नौजवानों को, छात्रों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बताइए किसी का भी विश्वास जीत पाए? किसी का साथ दिया है? ये लगता है कि आपका विश्वास जीते, इसलिए बीजेपी आपको राज्यपाल बनाने का ऑफर भी दिया है? दिया है, दिया है। हमसे तो कहा नहीं किसी ने, हमसे तो कहा नहीं। ये अखबार वालों की, आप ही लोगों की बातें हो तो बताओ, बात करा दो हमारी, फिर तो राष्ट्रपति बनाओ, फिर गवर्नर क्यों बनाओ? सो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करेंगे, हम राज्यपाल स्वीकार नहीं करेंगे, हमने मंत्री बनना भी स्वीकार नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, सुन लिया? हम नहीं स्वीकार करेंगे। हम जनता के बीच में आए हैं, जनता के बीच में, और जनता हमें जब बनाएगी तब बनेंगे, और बने हैं हम, एक बार नहीं बने, कई बार बने। और फिर हमारा कहने का सीधा सीधा है, इन्होंने देखे महंगाई कितनी बढ़ाई है, डीजल पेट्रोल गैस, घर में जो चूल्हा जलता है 400 रुपये थी 1000 कर दिया, डीजल कहाँ से कहाँ, डीजल थी करीब 56 रुपये तो पहुँचा दी थी 100 रुपये, पेट्रोल पहुँचा दी 105 रुपये पहुँचा दी, और पूरी जनता को इन्होंने लुटवा दिया, जनता को एक तरफ लुटवा दिया। और दिवाली के समय पर जो पेट्रोल पंप मालिक आशा लगाए थे कि अब खूब बिक्री होती थी, तो सब ने अपना स्टोर में डीजल पेट्रोल रख भर ली, और दीपावली से 2 दिन पहले घटा दिया, तो दोनों तरफ से मार हो गई। उधर तो जनता को लूट लिया, उधर पेट्रोल पंप वालों को भी नुकसान पहुंचा दिया, और फायदा किसको किया है? जब ये जो कीमत बढ़ाई है, फायदा किया अंबानी और अडानी को, इन्हीं को तो फायदा हुआ है, और ये तो दोनों लोग लुट गए। तो ये सब बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, केवल
निजीकरण के नाम पर हम तो कहेंगे निजीकरण के नाम पर अगर किया है तो उसमें फिर नौकरियों का भी आरक्षण होना चाहिए। नौकरी फिर इतने लोग जब निजीकरण होगा तो बेरोजगार भी होंगे। उधर तो कोरोना के समय में 15-15 पहली जब वेव आई है तो 15 करोड़ लोग बेरोजगार, दूसरी वेव आई तो 5 करोड़, अगर 2 महीना तो चली थी ज़्यादा था तो उसमें 5 करोड़ लोग, तो इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से। बताइए अब यही GST अगर लगा देते डीजल पेट्रोल तो डीजल और पेट्रोल तो बहुत सस्ती हो जाती, 35-40 ही रुपए ही हो जाती तो सबको आराम हो जाता ना, क्यों नहीं कर रहे थे? इस पर GST क्यों नहीं लगा? तो ये मुद्दे हैं। वैसे तो बिजली का भी मुद्दा बहुत है, बिजली इन्होंने बिजली के बारे में कहा था सस्ती बिजली 24 घंटे बिजली, पता लगा लेना गांव के आसपास ये जिलों के आसपास, भले गोरखपुर में तो चलिए योगी महाराज जी का जिला है, मुख्यमंत्री हैं तो मिल रही होगी बिजली, दिवाली भी कर गई बिजली मिल रही होगी, लेकिन आसपास के जिलों में हम बुंदेलखंड में गए झांसी में 7 घंटे, महोबा में 7 घंटे और इसी तरीके से पश्चिम में गए तो 11 घंटे 12 घंटे, जबकि 24 घंटे बिजली रहना चाहिए था। और महंगी बिजली एक साल में कितने बार बिजली, लेकिन सर आपकी सरकार में भी लगातार 8 घंटे ही गोरखपुरवासियों को बिजली मिलती रही थी। ऐसा नहीं था, गोरख में 20 घंटे से कम बिजली नहीं मिली होगी, ऐसा नहीं, देख लीजिए रिकॉर्ड में देख लीजिए, 20 घंटे से कम नहीं थी। और फिर अच्छा फिर छापे कितने पड़ रहे बिजली पर, छापे FIR कितनी हो रही हैं, और रिश्वत अगर दे दो उसमें किसान 20,000, 25,000, 30,000 दे दे तो FIR नहीं होगी, और नहीं तो फिर 1,00,000 रुपया जुर्माना, फसल पैदा होगी 25,000 की, जुर्माना हो गया 1,00,000। तो मैंने तो जब हम तो इस हॉल में कितने बार मैंने प्रेस करी होगी करी, तो मैंने तो देखिए सरकारी ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी माफ कर दिया, कोई पैसा लगा, मैं तो पूछना चाहते हैं पूछ लेना जा करके गांव में, किसी भी गरीब पर, किसी भी बुनकर पर, किसी भी छोटे व्यापारी पर कभी छापा पड़ा? कभी छापा नहीं पड़ा, और छापा अगर पड़ा होगा तो बड़े बड़े उद्योगपति जो बड़ी चोरी करते हैं, उद्योगपति चोरी तो वो लोग करते हैं, ये कौन सा है? तो इसलिए तो हम तो देखिए 300 यूनिट सरकार बना लेते हैं तो 300 यूनिट फ्री बिजली, और हम तो ऐसा भी कानून बनाएंगे बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर परिवार में कम से कम एक बेटे को और एक बेटी को जरूर नौकरी मिल जाना चाहिए, तभी तो परिवार चलेंगे, तभी तो शिक्षित होंगे। हम तो जो BA अगर पास कर लेंगे नौकरी नहीं दे पाएंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो सरकारी बजट से जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसे 5-5 लाख रुपया देंगे, इसलिए देंगे कि सोते वो रोजगार ढूंढ लें, सोते रोजगार ढूंढ लेंगे, अपनी मेहनत करेंगे तब चलेगा ये। तो ऐसा काम तो होना चाहिए था, इसलिए ये मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली है विषमता को दूर करने के लिए। हर आदमी परेशान है, तो हमारी सरकार थी, हम भी मंत्री थे उस सरकार में, हमने खाद पर रेट बढ़ने नहीं दिया था, हमने बिजली पर रेट बढ़ने नहीं दिया था, और बिजली का बता दो ने 4.5 साल में बिजली का कितना बिजली बढ़ाई है, वही सरकार की जो पिछली सरकार की थी वही बिजली है, उतने
हमने तो 2003 से बिजली की कमी तो 2003 में थी, तीन में थी, तब भी तब तो 4 रुपये यूनिट बिजली थी, अब कितने बिजली है, कितने रुपए बिजली है पर यूनिट, 9 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया हैं। तो देखिए इतना जब ये बिजली पे अगर हमें महंगाई को रोकना है तो सूर्य भगवान हमें तो दिए हैं मुफ्त में दिए हैं, इससे बिजली पैदा कितनी हो सकती है, इस पर तो कोई काम कर नहीं रहा, हमारी सरकार ने काम किया था है? तो ये काम करना चाहिए, ये तो उद्योगपतियों को, उद्योगपतियों को जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी का नाम 4 साल पहले सुना था, अब एशिया में नंबर 2 का है, अंबानी नंबर 1 के हैं, तो रुक जाएगी कि नहीं महंगाई, बिल्कुल रुक जाएगी, अगर सूर्य भगवान ये तो हमें मुफ्त में मिले हैं, इनसे बिजली कितनी पैदा की जा सकती है, हमारे मुद्दे जो मैंने किसान है, गरीब है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सब खत्म करेंगे विलय भी कर सकते हैं हम अपनी हमारी शर्तों पर। पहले तो हमारे जो इतने हमारे पीछे लोग हैं सम्मानित हमें सीटें मिलें, जीतने वाली जितनी भी हमारे लोग हैं उतनी सीटें मिलें हैं, फिर हम लोगों का सम्मान तो हो। स्वाभिमान और सम्मान से हम समझौता नहीं करेंगे, सम्मान और सम्मान स्वाभिमान तो रहना चाहिए हैं। तो कितनी सीटों की आपकी मांग है ये आपको नहीं बताएंगे ये तो जब हमारी बातचीत होगी हैं तभी बताएंगे। जल्दी से जल्दी अब चुनाव आ ही रहा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो ही गई है, अब निकल पड़े हैं हैं, सब लोग निकल पड़े हैं, अब जल्दी से जल्दी, अभी टाइम तो है 3-4 महीने का। चलिए धन्यवाद।